भारत बचाओ रैली को लेकर कांग्रेसियों ने कसी कमर। 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली भारत बचाओ रैली में भारी से भारी संख्या में किसानों नौजवानों को दिल्ली ले जाने के लिए गाजीपुर में कांग्रेसियों ने कसी कमर। गाजीपुर में कांग्रेसियों ने पूरी तरह से ध्वज कांग्रेस पार्टी को उठाने के लिए नए जिला अध्यक्ष सुनील राम 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित रैली को सफल बनाने के लिए आह्वान किया। 13 दिसंबर को गाजीपुर से दिल्ली जाने वाली सभी ट्रेनों में कांग्रेसी दिल्ली पहुंचेंगे। देश में बढ़ रहे अपराध, अराजकता और बेरोजगारी इस रैली के मुख्य मुद्दे होंगे। कांग्रेस के पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी गई। इंडियन लाइव टीवी से संवाददाता रिजवान अंसारी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, लूट खसोट के खिलाफ भारत बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है दिल्ली रामलीला मैदान में। उसमें कब है? 14 दिसंबर को। उसमें हम लोग जो है आदरणीय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लल्लू जी के नेतृत्व में अधिक से अधिक संख्या में गाजीपुर का नौजवान किसान रैली में भाग लेने का काम करेंगे। कैसे जाएंगे? हम लोग 13 दिसंबर को स्वदेव ट्रेन को पकड़ करके और इसमें अधिक से अधिक संख्या में हम लोग जो है 14 दिसंबर को दिल्ली में पहुँचेंगे। प्रस्थान हम लोग करेंगे ट्रेन से, जिससे गाजीपुर के लोग हैं जैसे से जाएंगे, जमानिया से जो लोग हैं उधर से श्रमजीवी हैं, अन्य ट्रेनें हैं, जमानिया ब्लॉक, भदौरा ब्लॉक उधर के लोग जाएंगे, कुछ बहादुरगंज उधर मरदा के, कुछ उधर के लोग जो हैं लक्ष्मी से भी जाने का प्रोग्राम लोग कर रहे थे, सैदपुर वगैरह के कुछ लोग उस बनारस से ट्रेन पकड़ लें, तो अधिक से अधिक संख्या में गाजीपुर की जो उपस्थिति है वो बहुत अधिक से अधिक और नौजवान भी बहुत संख्या में जाएगा। किसान, नौजवान, आम लोग जो सोनिया जी का जो आह्वान है उनके नेतृत्व में जो दिल्ली में बेरोजगारी, किसान की बदहाली, कानून व्यवस्था और आर्थिक मंदी, महंगाई, इन सब चीज़ों को लेकर